नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जी हाँ, मकर संक्रांति आ गई है और पतंग की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर बाजार सज गए हैं और लोगों की भीड़ भी दोगुनी हो गई है। लोग तैयारियों में जुट गए हैं और ढेर सारी शॉपिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नए साल का आगाज हो गया है और इस नए साल में त्योहारों का तांता भी लग गया है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार। वैसे तो हर त्योहार को बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खरमास का अंत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार के बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। भारत के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व पर पूजा पाठ और दान स्नान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और इतना ही नहीं, इस दिन काले तिल, गुड़, फल, वस्त्र, खिचड़ी आदि देने का भी विशेष महत्व है। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से शनि दोष दूर हो जाता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी महत्व है। कई जगह पर मकर संक्रांति को पतंग पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपनी अपनी छतों पर पहुंचकर घर के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है, पर अपनी अपनी मान्यताएं जरूर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के समय में पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। तमिल की तंदनान रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई। ऐसे ही कई मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं। वही वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका पतंग उड़ाने को लेकर मत ये भी है कि इससे सेहत को लाभ मिलता है। जोरदार सर्दी में मकर संक्रांति पर सुबह की धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, साथ ही विटामिन डी भी मिलता है। धूप में सर्दियों में होने वाली स्किन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दुल्हन के तरह सजे बाजारों में लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं। छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, सभी में पतंग उड़ाने का क्रेज खूब देखने को मिलता है। वहीं बाजारों में कई तरह की रंग बिरंगी पतंगों की खरीदारी लोग बड़े ही उत्साह से कर रहे हैं। कई जगहों पर तो मकर संक्रांति के दिन मेला भी लगता है। आपको बता दें कि पतंग उड़ाने के पीछे खास वजह ये भी मान सकते हैं कि पतंग को प्रेम और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए, आप भी ठंडी के मौसम में तिल से बने हुए लड्डू और अपने घर के लोगों को और दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाइए और मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाइए। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।